Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. मैं शिशपाल चौहान हूँ और दसवीं के students के लिए उनका lesson Mijbil the Otter लेके आया हूँ. और पिछली वीडियो में जो कुछ आपने अपने जहाँ तक ये lesson पढ़ा था उसकी एक छोटी सी झलक आपको देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. अफसरों के चेहरों से पता लग रहा था कि उन्हें गुस्सा आ रहा था लेखक पे कि वह फ्लाइट को लेट कर रहा था. इन्फ्यूरिएट मीन्स फीलिंग एक्सट्रीम एंगर. और लकीली भाग्य की बात थी, सीट जो बुक करवाई थी वो एक्सट्रीम फ्रंट पे थी, बिल्कुल आगे ही थी. लेट्स प्रोसीड फर्दर. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स. मैंने फर्श को न्यूज़पेपर्स के साथ कवर किया. रैंग फॉर द एयर होस्टेस और एयर होस्टेस को बुलाया. एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन ए कूल प्लेस. और एक पार्सल दिया, एक पैकेट दिया जिसमें मिजबिल का फूड था, मछली, और उसे फ्रिज वगैरह में रखने के लिए दे दिया. आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her. लेखक कहते हैं कि उन्होंने जो एयर होस्टेस थी उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उससे बातें की और पिछले आधे घंटे में जो भी घटनाएं घटी उसके साथ वो सारी शेयर की. लेखक यहाँ ये भी कहते हैं आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस. और लेखक के दिल में एयर होस्टेस के लिए बहुत ही गहरी प्रशंसा भी है. शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर. और लेखक के अनुसार वह एयर होस्टेस उस प्रशंसा के काबिल थी, वास्तव में वो एक रानी के बराबर. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड. एयर होस्टेस ने लेखक को सुझाया था कि वह बॉक्स को अपने घुटनों पे रख ले. आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड. क्योंकि शुरू में लेखक को यह कहा गया था कि बॉक्स को आप अपने पैरों के पास रखोगे फर्श पे, परंतु एयर होस्टेस ने लेखक को यह अनुमति दे दी कि बॉक्स को अपने घुटनों पे रख ले. तो इस बात से खुश होके लेखक कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने के लिए एयर होस्टेस का हाथ चूमना चाहता था. बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड. परंतु ऑटर्स के बारे में चिंता थी लेखक को, क्योंकि ऑटर्स की नेचर के बारे में लेखक को कुछ भी ज्ञान नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. द ऑटर वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश. और वही हुआ जिसका डर था. अवसर पाते ही ऑटर बॉक्स में से निकल गया. ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. और जो नीचे सीट्स होती हैं उनके नीचे से होता हुआ गायब भी हो गया. देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स एंड ए वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट अ रैट. और एकदम हलचल मच गई एयरक्राफ्ट में, चीख पुकार हो गया. एक महिला अपनी सीट पे खड़ी होगी और चीखने लगी चूहा चूहा. आई कॉट साइट ऑफ मिस बिल्स टेल डिसअपीयरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली व्हाइट टर्बन्ड इंडियन. फिर मैंने मिस बिल को एक भारतीय जो कि हृष्ट पुष्ट था, वेल बिल्ट था और उसने सफेद रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, उसकी सीट के नीचे नजर आया. डाइविंग फॉर इट आई मिस बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी. परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द most charming smile. It would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. Miss Bill को देखने के पश्चात लेखक ने डाइव किया और उसको पकड़ नहीं पाया, मिस किया. बट तो लेखक ऐसा कर नहीं पाया, डाइव तो किया परंतु मिस बिल को मिस कर दिया और उसका चेहरा एक व्यक्ति जो खाना खा रहा होगा उसकी करी में कवर हो गया, लथपथ हो गया. तभी एयर होस्टेस लेखक को सलाह देती है कि शायद तुम्हारे लिए अच्छा है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेखक को सुझाया, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट, अगर आप अपनी सीट पे बैठ जाओ तो ये आपके लिए अच्छा होगा. और मिस बिल को मैं देखती हूँ और मिस बिल को पकड़ के आपके पास ले आऊंगी. आई रिटर्न टू माई सीट. आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट ए डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम. मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया और मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था और जहां जहां एयर होस्टेस उस मिस बिल की तलाश में जा रही थी तो मैं देखे जा रहा था. फिर मुझे अपने पैरों के पास एक चिटरिंग साउंड महसूस हुई
आई हर्ड फ्रॉम माई फीट डिस्ट्रेस्ड, एक परेशान सी आवाज जो कि मेरे लिए स्वागत थी, एक पहचान थी मुझे उस मिजबिल की आवाज की, वो आवाज मुझे सुनाई थी। एंड मिजबिल बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगैन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। और तभी मिजबिल छलांग मार के मेरे घुटनों पे बैठ गया और मेरी गर्दन और मेरे चेहरे को वो सूंघने लगा। After an eventful journey, Maxwell and his daughter reached London, where he has a flat. Miss and I remained in London for nearly a month. इस घटनापूर्ण यात्रा के पश्चात मैक्सवेल और उसका ऑटर लंदन पहुंच गए, वेयर ही हैज ए फ्लैट, और लंदन में लेखक का फ्लैट था। मिस एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, मिस और लेखक लंदन में लगभग एक महीने के लिए रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड टेरापिन सेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस। और इस प्रकार से मिजबिल कई घंटों बॉल्स के साथ, अपने खिलौनों के साथ खेलता, जिनमें पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबर फ्रूट और टेरापिन सेल वगैरह थी। और ये खिलौने मैं उसके नेटिव मार्सेस से लाया था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम। पिंग पोंग बॉल के साथ मिजबिल ने एक गेम इन्वेंट कर लिया था, एक गेम खोज लिया था, और इस तरह से इस गेम में वो कम से कम आधे घंटे तक बिजी रहता था। इनग्रोस्ड मीन्स बिजी रहता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेंड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। जो सूटकेस मैं इराक की यात्रा पे ले गया था वो डैमेज्ड हो गया था यात्रा के दौरान, और इस वजह से उसका जो कवर था, ढक्कन जो था ऊपर वाला, पूरी तरह से बंद नहीं होता था। उसमें एक स्लोप बन गया था, एक एंड उसकी ऊपर थी और दूसरी एंड उसकी नीचे थी। मिजबिल डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। मिजबिल ने ये खोज लिया था कि अगर वह बॉल को ऊंचाई वाले सिरे पे ले जाए और बॉल अपने आप नीचे की तरफ, निचाई वाले सिरे की तरफ आएगी सूटकेस के। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल। और फिर वो जैसे ही बॉल नीचे की तरफ आती तो वो छुप जाता, एम्बुश करना होता है छुप करना, और छुप के उस पे वार करता, अटैक करता, जैसे अपने शिकार पे वो अटैक कर रहा हो। क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाई सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट एंड ट्रॉप ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। और फिर वो क्राउच करके बेंड करता पीछे की तरफ और स्प्रिंग अप करता, उछलता, और बॉल को एक शिकार समझता, जैसे शिकार को हैरानी होती है कि ये कौन आ गया, एकदम ग्रैब करता, फिर उसको कैच करता, और फिर ट्रॉट करता, ट्रॉट करना होता है भागता, विद इट टू द हाई एंड, उसको पकड़ के वो हाई एंड पे ले जाता सूटकेस की और फिर वहां से गिराता। इस तरीके से उसका गेम चलता। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। और घर के बाहर मैं उसे घुमाने ले जाता लंदन में लीड के साथ, और जैसे एक कुत्ते को ले जाते उस तरीके से मैं उसको घुमाने ले जाता। प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे एक डॉग को ले जाते। मिजबिल क्विकली डेवलप्ड सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक इन द लंदन स्ट्रीट्स, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, must touch every seventh upright of the iron railing or pass to the outside of every second lamp post. जैसे लेखक और मिजबिल सैर करने जाते तो मिजबिल ने कुछ कंपल्सिव अपनी हैबिट्स बना ली थी वॉक्स के दौरान। जैसे कि बच्चे जब चलते हैं पेवमेंट पे तो कोई ना कोई उनकी हैबिट बन जाती है। कुछ बच्चे उछल उछल के अपने दोनों पैरों से उछलते हैं और जैसे वो खेल रहे हैं पेमेंट पे, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जैसे पेमेंट में जो ब्लॉक बने होते हैं उन पे उछलना, और या फिर साइड में रेलिंग होती है तो उस सेवंथ जो अपराइट रेलिंग है, जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है रेलिंग का, उसको टच करना, या फिर पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैंप पोस्ट आते हैं तो एक को छोड़ के दूसरी पे वो घूमे, उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, इस तरह के गेम बच्चे करते हैं। तो मिजबिल ने भी कुछ इस तरह के गेम डेवलप कर लिए थे। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल अलोंग हूज फुटेज रैन
एन ए लो वॉल सम 2 feet हाई। मेरे फ्लैट के सामने एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था जिसके चारों तरफ एक कम ऊंची बाउंड्री वॉल थी और उस बाउंड्री वॉल की ऊंचाई मात्र 2 feet की थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिस विल वुड टग मी टू दिस वॉल जम्प ऑन टू इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ pupils and of staff within. जब मिजबिल घर लौट के आ रहा होता but never on his way out. जब घर से बाहर जा रहा होता तब नहीं जब घर की तरफ लौट के आ रहा होता तो मिजबिल क्या करता मिजबिल would tug me. tug का अर्थ होता है खींचना। मिजबिल लेखक को दीवार की तरफ खींच के ले जाता उस पर जम्प करता जम्प ऑन टू इट एंड गैलप द फुल लेंथ और गैलप करना होता है तेजी से भागना तीव्र गति से घोड़े की जो चाल होती है आम जो चाल होती है उसको गैलप कहते हैं। फुल लेंथ पूरी लेंथ जो दीवार की थी 30 गज की दीवार थी उस पे भागता और इससे क्या होता है प्यूपिल जितने स्टूडेंट्स थे और स्टाफ मेंबर्स थे टीचर्स थे वो डिस्ट्रैक्ट होते उनका ध्यान मिजबिल की तरफ ही जाता। इट्स नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be as a surprise to me. It's not, I suppose, लेखक मानते हैं इस बात को कि ये अद्भुत बात नहीं थी कि जो एवरेज लंडनर था लंदन में रहने वाला निवासी should not recognize an otter कि वो otter को ना पहचाने ये कोई अजीब बात नहीं थी परंतु वैरायटी ऑफ गैसेस जो गैस करते थे व्यक्ति उनमें भिन्नता थी। जो वैरायटी लेखक के सामने उभर के आई जो भिन्नता लेखक के सामने उभर के आई वो हैरतअंगेज थी वो एक सरप्राइज था। गैस क्या थे एनिमल के बारे में वो गैस करते थे कि ये क्या हो सकता है। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelids, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink, and others. Otters, अगर तुलनात्मक ढंग से देखे जाएं, तो एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसे मस्टलिन्स कहते हैं और इस प्रजाति में बैजर भी आते हैं मोंगूज भी आते हैं वीजल स्टॉट मिंक एंड ऑटर्स भी आते हैं और इनकी आप तस्वीर देख रहे हैं इनके नाम मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। आई फेस्ड ए कंटिन्यूस बैराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ऑटर मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन ए बेबी सील एंड ए स्क्वल। लेखक कहते हैं कि उन्हें क्वेश्चंस की एक बौछार और वो प्रश्नों की बौछार ऐसे ऐसे अनुमान थे लोगों के अनुमानों के थे मिजबिल के बारे में लोगों के अनुमान थे और ऑटर के बारे में कम। क्वेश्चन दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स और वो प्रश्न सारे मस्टलिन्स के दूसरी प्रजातियों से संबंधित थे बट द ऑटर परंतु ऑटर के बारे में एक भी प्रश्न नहीं था। मोर रैंडम गैसेज हिट होने बेबी सील एंड स्क्वल और अधिकतम अनुमान जो ऑटर के बारे में लगाए जा रहे थे उसे कहा जा रहा था कि ये क्या हो सकता है। अधिकतर गैसेज में ये कहा गया कि ये कोई सील मछली का बेबी है या फिर ये गिलहरी है स्क्वल है। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स and began to stare. But the question for which I awarded the highest score came from a laborer. परंतु प्रश्न जो जिसको मैंने पूरे अंक दिए जिसको पूरे अंक अवार्ड किए वो एक मजदूर की तरफ से आया था। वह मजदूर जमीन को खोद रहा था digging a hole. I was still far from him. मैं अभी उससे दूर था। When he laid down the tool, फिर उसने टूल को जो औजार था उसका जैसे कसी होती है उसको नीचे रखा अपने दोनों हाथ अपनी हिप्स पे रखे कमर पे रखे और उसने मेरी तरफ लगातार देखना शुरू किया स्टेयर करना शुरू किया। As I drew nearer, जैसे ही मैं उसके पास आया I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I saw him, और as I drew nearer, जैसे ही मैं उसके पास आया मैंने देखा कि उसके चेहरे पे एक आश्चर्य का हैरानी का भाव था और वह परेशान भी लग रहा था। अपरंट का मतलब यहाँ अपसेट से है परेशान भी दिख रहा था ऐसा लग रहा था उसके चेहरे से उसके हाव भाव से कि वह लेखक को यह ज्ञात कराना चाहता है कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मजाक किया जा सके। I came abreast of him, he spat, glared and then growled out.
Here, mister, what is that supposed to be? मैं उसके पास आया. I came abreast means I came nearer him. उसके अधिक पास आया. Abreast means near. उसने थूका, फिर घूर के देखा, glare किया. Then growled out. फिर गुर्राया, जैसे दबी आवाज में उसने कहा. Here, mister, what is that supposed to be? ए भद्रपुर, what is that supposed to be? ये क्या प्राणी हो सकता है? और प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पे ये लेसन खत्म होता है. तीसरी वीडियो लेक्चर भी हमारी खत्म होगी और इसके पश्चात किसी और लेसन के साथ फिर आऊंगा. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.